मेरे प्यारे बच्चों नमस्ते। आज हम कक्षा एक की हिंदी पुस्तक रिमझिम का पाठ चार पढ़ेंगे। पाठ का नाम है पत्ते ही पत्ते। पाठ का नाम है पत्ते ही पत्ते। अब मैं एक एक करके प्रश्न पढ़ूंगा, फिर उसके उत्तर पढ़ूंगा। आप कृपया मेरे साथ में पढ़ेंगे, ठीक है? पत्ते ही पत्ते। प्रश्न नंबर एक, मैं पांच तक गिनूंगी, ऐसा किसने कहा? बोलिए प्लीज, मेरे साथ ही बोलिए। उत्तर, मैं पांच तक गिनूंगी, ऐसा दीदी ने कहा। मैं पांच तक गिनूंगी, ऐसा दीदी ने कहा। प्रश्न नंबर दो, दीदी कितनी गिनती कहने वाली थी? हाँ बोलिए, दीदी कितनी गिनती कहने वाली थी? उत्तर, दीदी पांच तक गिनती कहने वाली थी। शाबाश, दीदी पांच तक गिनती कहने वाली थी। प्रश्न नंबर तीन, क्या शुरू करने से पहले गोला बनाकर बैठ जाओ? क्या शुरू करने से पहले गोला बनाकर बैठ जाओ? उत्तर, गिनती शुरू करने से पहले गोला बनाकर बैठ जाओ। गिनती शुरू करने से पहले गोला बनाकर बैठ जाओ। प्रश्न नंबर चार, पांच बोलने से पहले कौन दौड़ी? पांच बोलने से पहले कौन दौड़ी? उत्तर चार, पांच बोलने से पहले लड़की दौड़ी। पांच बोलने से पहले लड़की दौड़ी। प्रश्न नंबर पांच, दीदी के गिनती पूरी करने के साथ बच्चों ने क्या किया? बोलिए प्लीज। दीदी के गिनती पूरी करने के साथ बच्चों ने क्या किया? उत्तर, दीदी के गिनती पूरी करने के साथ बच्चे गोला बनाकर बैठ गए। बच्चे गोला बनाकर बैठ गए। प्रश्न नंबर छह, दीदी क्या लेकर आई? दीदी क्या लेकर आई? उत्तर, दीदी बहुत सारे पत्ते लेकर आई। दीदी बहुत सारे पत्ते लेकर आई। एक पत्ते को लीफ कहते हैं, LEAF, लीफ। और बहुत सारे पत्ते होते हैं तो LEAVES, लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर सात, पत्ते किस किस रंग के थे? बोलिए प्लीज। उत्तर, पत्ते हरे रंग, लाल रंग, पीले रंग और कत्थई रंग के थे। पत्ते हरे, लाल, पीले और कत्थई रंग के थे। प्रश्न नंबर आठ, पत्ते किस किस आकार के थे? पत्ते किस किस आकार के थे? उत्तर, कुछ पत्ते लंबे और कुछ गोल थे। कुछ पत्ते लंबे और कुछ पत्ते गोल थे। प्रश्न नंबर आठ, पत्ते किस किस प्रकार के थे? उत्तर, कुछ पत्ते लंबे, गोल, कतरीले, डंठल वाले, नस वाले व कुछ झालरदार थे। वह कुछ झालरदार थे। कृपया अच्छे से पढ़ो बच्चों।
प्रश्न नंबर 9, एक पत्ते को दोनों ओर से छूकर बच्चों को क्या महसूस हुआ? उत्तर, बच्चों को पत्ता एक तरफ से मुलायम सॉफ्ट व दूसरी तरफ से खुरदरा रफ महसूस हुआ, मुलायम और खुरदरा। प्रश्न नंबर 10, पाठ के शुरू में दीदी क्या बोली? पाठ के शुरू में दीदी बोली, मैं 5 तक गिनती गिनूंगी। गिनती शुरू करने से पहले तुम लोग, बच्चे लोग, गोला बनाकर बैठ जाओ, गोला बनाकर बैठ जाओ। आपकी पाठ्य पुस्तक में कुछ प्रश्न अभ्यास दिए हुए हैं, वह मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। प्रश्न अभ्यास पाठ्य पुस्तक से अब करने की बारी। बगीचे में जाओ, पत्ते देखो, उन्हें हल्के से हाथ लगाओ, कैसा लगा? आपस में बातें करो, अपने आसपास से तरह तरह की पत्तियां इकट्ठी करो, इन पत्तियों को कागज पर चिपकाओ, नीचे दी गई जगह पर पत्तियों के चित्र भी बनाओ। आपको यह कार्य स्वयं करना है। प्रश्न 1, तुमने इनमें से किसकी सवारी की है? सही जगह पर हाँ, टिक या क्रॉस, नहीं का निशान लगाइए। रिक्शा, बस, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी, साइकिल, ऊंट, स्कूटर और भैंस। आपको ये चार्ट के अंदर टिक करना है या कट करना है, ठीक है? यू कैन डू इट योरसेल्फ, प्लीज। नेक्स्ट, तुम कैसे जाते हो? नानी के घर, दादी के घर, सिनेमा देखने, स्कूल, हाट बाजार। कैसे जाते हो? रेलगाड़ी से जाते हो, स्कूटर से जाते हो, स्कूल बस से जाते हो, पैदल जाते हो या स्कूटर से जाते हो? और चार्ट में कुछ तस्वीरें दी हुई हैं, आपको चूज करके उनके आगे टिक करना है या कट करना है, ठीक है? नाउ लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट। जमीन के नीचे क्या है और जमीन के ऊपर क्या है? गन्ना जमीन के ऊपर उगता है, मूली नीचे। सही जगह पर कुछ और चीजों के चित्र बनाओ। मूली जमीन के नीचे, गन्ना जमीन के ऊपर। अब आपको बाकी जो तस्वीरें दी हुई हैं नीचे, उनको देखकर बताना है कि वह जमीन के नीचे उगती है या जमीन के ऊपर उगती है, और उनकी तस्वीरें भी बनानी है अब आपको बताना है बेटा, बूझो मेरा रंग, बैंगन किस रंग का, और बहुत सारी चीजें चार्ट में दी हुई हैं और उसके उत्तर भी लिखे हुए हैं। आप कृपया उनको ध्यान से पढ़िए और उनको अपनी पुस्तिका में, कॉपी में, नोटबुक में नोट कर दीजिए, ठीक है बच्चों? नाउ द चैप्टर इज ओवर, ध्यान से पढ़िएगा। थैंक यू, जय हिंद।